दोस्तों घातक फिल्म 1996 में आई थी। इस फिल्म में सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, अमरीश पुरी और डैनी डेंजोंगपा ने काम किया। इसी के साथ इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया और सनी देओल के साथ राजकुमार संतोषी की यह तीसरी फिल्म थी। इससे पहले वो घायल और दामिनी में एक साथ काम कर चुके थे। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और 1996 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में चौथे नंबर पर शामिल रही। इस फिल्म को 3 फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले। लेकिन इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट हैं जो आप नहीं जानते। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए घातक फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट लेकर आए हैं। अगर आप मूवी के फैन हैं और इन फैक्ट को जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से फिल्म के डायरेक्टर ने उस समय की पॉपुलर मॉडल को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया, लेकिन कोई भी इस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं बैठ पा रही थी। जिसके बाद इस फिल्म में रवीना टंडन को चुना गया और रवीना ने लगभग 10 दिनों तक शूटिंग की, लेकिन किसी कारणवश रवीना आगे की शूटिंग नहीं कर पाई और बाद में फाइनली मीनाक्षी शेषाद्री को ही इस फिल्म में कास्ट किया गया। नंबर 2, हालांकि घातक फिल्म की स्टोरी को फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने अपनी फिल्म घायल और दामिनी के बीच में लिख दिया था, लेकिन उस समय ये अपनी किसी और फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। आपको बता दें कि फिल्म घातक 5 साल पहले ही रिलीज हो जाती, लेकिन उस समय राजकुमार संतोषी अपनी और फिल्मों की शूटिंग में बिजी थे, जिसकी वजह से फिल्म आई 1996 में। नंबर 3, इस फिल्म का पॉपुलर गाना कोई जाए तो ले जाए, इस गाने को ममता कुलकर्णी ने कोरियोग्राफ किया था और खुद ही डांस किया था। इसी फिल्म में इनके काम को देखते हुए ममता कुलकर्णी को फिल्म चाइना गेट में एज ए लीड एक्ट्रेस लिया जाने वाला था, लेकिन राजकुमार संतोषी और ममता कुलकर्णी को लेकर उस समय काफी कंट्रोवर्सी हो रही थी, जिसकी वजह से फिल्म चाइना गेट में लीड एक्ट्रेस के तौर पर उर्मिला मातोंडकर को रखा। नंबर 4, आपको बता दें फिल्म घातक मीनाक्षी शेषाद्री के करियर की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद मीनाक्षी अपने पति के साथ विदेश चली गई और वहां जाकर अपने डांस स्कूल को खोल लिया। आपको बता दें मीनाक्षी शेषाद्री की लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जिसका नाम है मीनाक्षी एक्सपेक्टेड हरविंग। नंबर 5, इस फिल्म के डायरेक्टर ने अपने घायल और घातक फिल्म की स्टोरी साउथ के दिग्गज एक्टर कमल हसन को ध्यान में रखते हुए बनाई थी, लेकिन राजकुमार संतोषी को घायल मूवी में बतौर डायरेक्टर डेब्यू करना था, जिसकी वजह से कमल हसन ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, जिसके बाद सनी देओल को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया। सनी देओल ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कर दी और घायल फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने घातक फिल्म में भी सनी देओल को कास्ट किया। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताइएगा और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।